अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे एक ऐसे वीडियो जिसमें जो लोग तंग हैं बवासीर से, बवासीर खूनी बवासीर से, और साल हा साल से वो परेशान हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा और मेरा मुजर्रब नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इससे खून जितना मर्ज़ी चल रहा हो, जितना भी चल रहा हो, जितना भी गिर रहा हो, इसको मुकम्मल शिफा याबी के लिए ये नुस्खा बहुत कारआमद है। तो मेरे दोस्तों, याद रखें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। यह जनाब है आपके सामने रीठा 250 ग्राम, ये जनाब नीला तोता ये है 100 ग्राम। ये देखें, एक दोस्त ने मुझे ये कहा है कि आप लोग सिर्फ कमर्शियल लेवल पे ही बताते हैं कि हुक्मा हजरात के लिए, तो घर में थोड़ी मिकदार में कैसे बनाना है। तो मेरे मोहतरम, ये देखें, ऊपर से इसका छिलका उतार लेना है, ये इसके मुंह की तरफ से, और नीला तोता जो है इसको बारीक कर लेना है बिल्कुल पाउडर की तरह, और इसके ऊपर इसमें भर लें। मुकम्मल जब हो जाए तो इसको कोयले के ऊपर रख दें। एक मरीज के लिए सिर्फ दो ही रीठे काफ़ी हैं। हम तो इसको बारीक करते हैं, ये जब कोयले के ऊपर रखेंगे ये जल जाएगा, खाकिस्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। आराम से उठाएं और पीस कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कमर्शियल लेवल पे हुक्मा हजरात के लिए जो तैयार होता है वो ऐसे नहीं करना, वो इसको बिल्कुल कूट लेना है, थोड़ा सा बारीक कर लेना है, और नीला तोता इसको मिक्स करके किसी भी बाटली में, किसी भी बर्तन में रख के इसको जला लेना है। तो इसकी तैयारी मुकम्मल आपको बताते हैं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ऐसे ये देखें, ये दोनों को कूट लिया है हमने, कूट के बारीक कर लिया है ये नीला तोता और रीठा। अब इसको किसी लोहे के बर्तन में डाल के किसी आग पे रख दें, सिलेंडर पे रख दें। ये हमने रख दिया है स्टोव के ऊपर, ठीक है, ये खुद ब खुद इसका थोड़ा सा आयल निकलेगा रीठे का, और इसको आग लग जानी है, धुआं निकलता है, तो ये बिल्कुल खाकिस्तर कर लेना है, बिल्कुल ये जल जाए, हर चीज़ इसकी ख़त्म हो जाए। ये इस वक्त बिल्कुल जल के खाक हो चुका है, ये देख लें टाइप। इसको बारीक करेंगे, फिर आग पे रखेंगे, उसके जब तक रंग स्याह नहीं हो जाता तब तक ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये कच्चा है। ये देखिए, इस वक्त ये दवाई बिल्कुल तैयार है और रगड़ाई के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको ये बता देंगे, हमने नुस्खा कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है, दवाई हमने तैयार कर ली है, और इसके फ़वाद की तरफ चलते हैं। इसके फ़वाद हैं कि खून जितना मर्ज़ी चल रहा हो, जितना ज़्यादा खून चल रहा हो, कोई मसला नहीं है, बवासीर का मुकम्मल और शाफी इलाज है ये नुस्खा। और इसके अलावा जिस्म में कहीं से भी खून निकल रहा हो, कहीं कट लग गया हो, कहीं चोट लग गई हो और खून ना रुक रहा हो, इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और तीसरा इसका जो फ़ायदा है वो है औरतों को अयाम की ज़्यादती, औरतों को अयाम की ज़्यादती हो रही हो, खून ज़्यादा आ रहा हो, कसरत हैज़ की अलामत हो, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मोहतरम, इसकी खुराक के मामले में आपको बता दें कि इसके 2 से 3 चावल सिर्फ खुराक खिलानी है, मक्खन में रख के, मलाई में रख के, खजूर में रख के खिला दें, और ऊपर से दूध ज़रूर पिलाना है क्योंकि ये खुश्क है और इसके लिए दूध बहुत ज़रूरी है। और जितने दिन बवासीर के लिए इस्तेमाल करनी है, जितने दिन ये दवाई खानी है, उतने दिन तक उन मरीज़ों ने कोई भी मिर्च नहीं खानी, यानी सब्ज़ भी मिर्च नहीं खानी, सुर्ख मिर्च भी नहीं खानी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सिर्फ 2 से 3 खुराकों से ही उनका खून आना बंद हो जाएगा, और ये इलाज जो है ये कम से कम 1 हफ्ता उनको दवाई खिलाएं। पुराने मरीज़ जो हैं जिनको साल हा साल से ये मर्ज़ है, उनको 2 हफ्ते खिला दें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल शिफा याब हो जाएंगे।